तो क्या हाल चाल, सस्त्रीकाल। मैं हूं न्योन मैन और आज हम बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी एंड वकार ज़का के बारे में। तो अगर आप कैरी मिनाटी का लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा वकार ज़का कौन है। उन्हीं के शो के ऊपर कैरी मिनाटी रोस्ट वीडियो बनाए थे एक, एंड ऑल्सो प्रीवियसली भी वकार ज़का के शोज के ऊपर काफी सारा वीडियो बना चुके हैं कैरी मिनाटी। सो हुआ क्या कि कैरी मिनाटी के ये वीडियो रिलीज होने के बाद वकार ज़का कैरी को रिस्पॉन्ड करते हुए उनका रोस्ट वीडियो बनाए। ये वीडियो करेंटली उनके चैनल में अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप सर्च करोगे वकार ज़का वीडियो एंड कैरी मिनाटी ऐसे करके कुछ तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। इस वीडियो को तो मैं प्ले नहीं कर सकता, बट आपको शॉर्ट समरी दे देता हूँ कि क्या बोले थे इस वीडियो में वकार ज़का। सो बेसिकली इस वीडियो में वो बताया कि कैरी मिनाटी ऑलरेडी उनके ऊपर काफी सारे वीडियोस बना चुके हैं एंड उन्हीं के ऊपर रोस्ट वीडियोस बनाने से उनको ज्यादा व्यूज मिलता है। एंड ऑल्सो वो ये भी कहे कि अगर वो चाहते हैं तो वो कैरी मिनाटी के वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, क्योंकि कैरी उनसे परमिशन लेके वीडियोस नहीं बनाए हैं, बट वो वैसा नहीं करेंगे। तो वो कहे थे कि वो कैरी के वीडियोस को ना क्लेम करते हैं ना स्ट्राइक मारते हैं, बट कैरी मिनाटी कुछ और ही बताए कल अपने लाइव स्ट्रीम में। आप खुद सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा। वकार के कमेंट तो बता, हाँ वकार के कमेंट बता रहा था मैं तुम लोगों को, सॉरी। एनीवे वकार के कमेंट पहला कि हाहा इट फील्स गुड कि तुम्हारी वजह से हमारी वजह से तुम्हारा घर चल रहा है। वकार भाई ने सारी वीडियोस क्लेम मार रखी है, ये वाली को छोड़ के थैंक यू वकार भाई फॉर नॉट क्लेमिंग सीरियसली। लेकिन भाई सारी वीडियोस क्लेम कर रखी है भाई ने सारी, फिर कह रहे पैसा हम कमा रहे हैं। उसके बाद तो भाई साहब माँ बाप भाई बहन चाचा ताऊ फूफा भाभी पे चले गए, तो उसके बाद तो फिर मैंने का पॉइंट ही नहीं रिप्लाई करने का। सो आपका क्या कहना है इस सिचुएशन में, मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल आज अपना नया वीडियो रिलीज किए एंड वीडियो आने के बाद वो अपने इंस्टाग्राम में बताएं कि उनके वीडियोस में काफी सारे स्पैम कमेंट्स आ रहे हैं। तो उस चीज के बारे में बात करते हुए वो ये कहे, मैं कमेंट पढ़ रहा था तो बहुत सारे भुवन बाम के कमेंट आए हुए हैं, हर्ष बेनीवाल के कैरी मिनाटी के आए हुए हैं, हिट लाइफ फॉर दिस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब मत करो यार, एक्चुअल कमेंट करो। अभी वीडियो खोलो तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ना और बताना वीडियो कैसी लगी, फीडबैक देना, अच्छी लगे वो बताना, बुरी लगे तो बताना ताकि हम इम्प्रूव हो सकें। ऑल्सो उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो इज नॉट अवेलेबल इन सम रीजन्स ड्यू टू कॉपीराइट। कॉपीराइट जैसे ही हटेगा सबको दिखेगी, तो जिनको नहीं दिख रही है थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट करना होगा आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले राउंड टू हेल के बारे में। तो कल राउंड टू हेल अपने चैनल में क्यू एन ए वीडियो अपलोड किए एंड इस क्यू एन ए में वो बहुत ही एक सीरियस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए। वो क्वेश्चन ये था कि उनके चैनल में एक वीडियो है हॉरर हाउस करके, वो वीडियो उनके चैनल से डिलीटेड क्यों है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए वो बताया कि उस वीडियो को उनको डिलीट इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस वीडियो की वजह से उनके ऊपर पुलिस केस हो गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे पुलिस केस किस बात की। तो हुआ क्या कि उस वीडियो में उनका एक कैरेक्टर था, फादर का कैरेक्टर। तो उसी कैरेक्टर के रिगार्डिंग जैसा पोर्ट्रे गया था उस कैरेक्टर को उनके वीडियो में, कुछ लोग ऑफेंड हो गए। तो ऑफेंड होने के वजह से उनके ऊपर वो केस कर दिए। सो उसी के बाद उस वीडियो को वो डाउन कर दिए। सो अगर आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सुनना है उनके चैनल में तो मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ विद द टाइम्स टाइम, तो आप जाके सुन सकते हैं। एंड ऑल्सो इस क्यू एन ए वीडियो में वो एक और चीज बताया कि उनका हर्ष बेनीवाल के साथ कोलैब होने वाला है। तो इस वीडियो में हर्ष बेनीवाल एक छोटा सा कैमियो किए थे एंड फिर सब लोग कोलैब वीडियो के बारे में डिस्कशन किए। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ कोलैब वीडियो बिटवीन राउंड टू हेल एंड हर्ष बेनीवाल वेरी सून। तो चलिए अब एक गेमिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता ही होगा पीएमसीओ का ग्लोबल फाइनल चल रहा है अभी एंड इंडिया की तरफ से दो टीम्स गए हुए हैं, एनटीटी एंड सोल। आज फिनिश हुआ था डे टू एंड डे टू के बाद आप स्टैंडिंग्स देख सकते हैं। एनटीटी नंबर 5 में है एंड सोल नंबर 13 में है एंड बाकी टीम्स का भी स्कोर आप देख ही सकते हैं पॉज करके। फर्स्ट पोजीशन में जो टीम है बीटीआर, उनका स्कोर आप देख सकते हैं कितना हाई है कंपेयर टू अदर्स। सो उनको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट लेट सी। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एएफ प्रोडक्शन ने कंप्लीट कर चुका 100 के सब्सक्राइबर्स, देन द कमलेश ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन अनग्रेजुएट गेमर ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली सतीश टेक को मिल चुका है उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं लिली सिंह एंड प्यूडीपाई के बारे में। तो लिली सिंह का एक लेट नाइट शो है जिसका नाम है अ लिटिल लेट विद लिली सिंह। उस शो के रिगार्डिंग उनको काफी सारा हेट मिलता है क्योंकि वो बार बार रिपीटेटिव जोक्स मारती है रिगार्डिंग दैट शी इज नॉट व्हाइट एंड शी इज बाइसेक्सुअल। सो इसके रिगार्डिंग कल प्यूडीपाई भी ट्वीट किए, वो लिखे आई एम सो थैंकफुल व्हेनेवर आई एम रिमाइंडेड दैट एनबीसी डिसाइडेड टू पुट अ बाइसेक्सुअल वुमन ऑफ कलर एज देयर होस्ट ऑफ अ लेट नाइट शो, इनडायरेक्टली लिली सिंह के बारे में बात करते हुए। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, बट वीडियो के एंड में मैं एक क्लिप प्ले कर रहा हूँ आशीष चंचलानी का, जहाँ पे वो डिस्कस किए रिगार्डिंग डॉक्टर प्रियंका रेड्डीज रेप केस। आई होप इसके वजह से थोड़ा सा अवेयरनेस फैले एंड इस कंट्री में चेंज आए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। सो ये आप वीडियो देखिए। पहले आपने अभी सुना ही होगा डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के बारे में, द रेप केस। अभी तो नॉर्मल सी बात हो गई हमारे देश में। आई वांट टू आस्क द गवर्नमेंट, आई वांट टू आस्क द पीपल दैट व्हाई इज देयर नो फियर इन द माइंड्स ऑफ दीज एनिमल्स बिफोर दे गो एंड रेप अ गर्ल। उनके दिमाग में कोई डर ही नहीं है। ऊपर से जुवेनाइल चीज
अगर आप 18 साल के नीचे हो, अगर आपने किसी लड़की का रेप किया तो आपको ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना डेथ पेनल्टी है। एक पिक्चर आई थी सेक्शन 375, उसमें ये डायलॉग था, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस, वी आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ। मतलब आप इस बात का समझ रहे हो कि ये जो जस्टिस हम मांगते रहते हैं ना, वो जस्टिस डिलीवर नहीं होता। हमें मिलती है कोर्ट हियरिंग्स, हमें मिलती है ये लॉ के प्रोसीजर्स, ये लूप होल्स लॉ में, जिसके थ्रू ये दरिंदे निकल के भाग जाते हैं। एंड आपको पता है द वर्स्ट पार्ट, दे स्माइल, दे लाफ, दे सेलिब्रेट, बिकॉज दे नो कि कुछ नहीं होने वाला है। वी डेफिनेटली नीड स्ट्रिक्टर लॉज फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन दिस कंट्री। आई फील सॉरी फॉर द वुमेन ऑफ दिस कंट्री, आई एम रियली रियली सॉरी, एंड आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फ्रॉम ऑल द मेन इन दिस कंट्री, आई एम सॉरी। देर आर पीपल हु वॉन्ट टू डू थिंग्स फॉर यू, देर आर पीपल हु वॉन्ट टू हेल्प यू, बट वी आर जस्ट नॉट एबल टू बिकॉज द बेसिक माइंड सेट ऑफ द पीपल, द बेसिक माइंड सेट ऑफ दिस प्रेडिटर्स इज वेरी डिफरेंट। इनको लगता है कि ये लड़कियों को ओन करते हैं। इनकी अपब्रिंगिंग में इनको बताया जाता है कि एक जो लड़की है उसके कपड़े, उसके बात, उसकी हंसी, उसका अल्कोहल पीने के बेसिस पे आप उसको जज कर सकते हो, एंड शी इज रेडी टू फक यू। इट्स माय जेन्युइन रिक्वेस्ट टू द पीपल, टू द गवर्नमेंट, दैट वी नीड टू क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ दीज एनिमल्स। ये डर गवर्नमेंट ही ला सकती है और आप पब्लिक भी ला सकते हो। अगर कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है, कोई किसी के बारे में बकवास कर रहा है, तो आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। इस देश में जो भी बड़ा है उसको पब्लिक ने ही बनाया, और अगर पब्लिक आई ना बैंड बजाने के लिए, तो किसी भी माई के लाल में दम नहीं है कि वो कुछ भी करे। रिमेम्बर दिस, वी आर लिविंग टूगेदर एंड वी कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। एंड अभी हर बार ये जो रेप केस हो रहा है, इसके बाद चुप मत रहो, नम मत हो, इसको नॉर्मल नहीं होने दो। अगर हम एडजस्ट होना चालू हो गए तो फिर तो ये चीजें बढ़ती जाएगी। इट्स हाई टाइम नाउ, वी हैव टू टेक दिस सीरियसली, वी नीड टू क्रिएट फियर, एंड आई रिक्वेस्ट माई गवर्नमेंट दैट वी नीड स्ट्रिक्टर लॉज।